प्लीज देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बेटे। ये हमसे कह रहा है कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस, ये आपके पास। और मैंने आपसे कहा है हमेशा राइट साइड पे नजर रखिए, राइट साइड होता है कॉसक, कॉसक ए माइनस वन, कॉसक ए प्लस वन। तीन स्टेप में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्या होगा बेटे, आप कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, क्योंकि मुझे कॉसक चाहिए। कॉसक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, वन अपॉन साइन, तो इसलिए मैं कॉस बाय साइन यूज कर रहा हूँ। तो चेंज कर दीजिए, कॉट को आपने किया कॉस ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए। प्लीज ध्यान से देखिए, इस कॉट को आपने बेटे कॉस बाय साइन में चेंज किया एंड दिस कॉस रिमेन सेम। ये सब बच्चों को समझ में आ गया क्या? यस सर। अब आपके पास क्या है बेटे, डेनोमिनेटर है, बट वी विल फॉलो द सेम, अगेन वी हैव कॉट, तो कॉट को बेटे आप चेंज करेंगे कॉस बाय साइन। जो लास्ट एक्सरसाइज है बेटे, इट्स टोटली डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, डिपेंड ऑन फॉर्मूला। जितना आप फॉर्मूला लिखना शुरू कर देंगे, याद कर लेंगे, उतना काम चल जाएगा। ये कॉस ए बेटे हमने एज इट इज रखा है। अब अगर आप राइट साइड देख रहे होंगे जो हमें चाहिए, तो आपका आंसर आ गया यहीं से। क्या आप बच्चे सब ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये कॉस है और ये कॉस है, कॉमन लिया जा सकता है? जी बेटे, क्या आप सब बच्चे सोच रहे हैं कि हम कॉस को कॉमन ले सकते हैं? तो न्यूमरेटर से बेटे हम कॉस कॉमन लेंगे, तो इन ब्रैकेट हमारे पास आ जाएगा बेटे वन अपॉन साइन ए माइनस वन। द सेम वे बेटे डेनोमिनेटर में भी हम कॉस ए कॉमन ले सकते हैं बेटा, प्लीज ध्यान से देखो। तो ये हमारा डेनोमिनेटर है बेटे, कॉस ए अगेन आपने कॉमन लिया है बच्चा। तो आपके पास क्या बचेगा बेटे, फिर सबके सब बच्चे क्वेश्चन में इन्वॉल्व हुआ करो प्लीज। ऐसे नहीं कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इधर उधर बिजी हो जाओ, क्योंकि डिजिटल है, स्क्रीन है साहब आपके पास, मैं नहीं हूँ प्रेजेंट। आप खुद क्वेश्चन में इन्वॉल्व होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखिए बेटे, ये कॉस ए कैंसिल हो गया बेटे। अब मुझे बताइए वन अपॉन साइन बेटे क्या होता है? कॉसेक। बहुत अच्छे बेटे, शाबाश। देखिए कॉसक होता है माइनस वन एज इट इज बेटे। अगेन हमारे पास डेनोमिनेटर में भी बेटे वन बाई साइन है, कॉसेक ए प्लस वन, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटे, कॉसेक ए हो जाएगा। बताइए बेटे राइट हैंड साइड हमें क्या चाहिए था? यस सर, ये ठीक है, कॉसेक ए माइनस वन एंड कॉसेक ए प्लस वन। प्लीज ट्राई करिए, पहले एक बार खुद से लिखिए, शाबाश मेरे बच्चा। सबके सब बच्चे क्वेश्चन में अगर नहीं भी आ रहा है, अभी भी समझ में नहीं आया, तो कोई परेशानी नहीं, बट आप लोग बिजी होइए, जरा इन्वॉल्व होइए क्लास में। तो इंशाल्लाह जी बेटे बताइए। सर एग्जांपल 15 जो है इसका, मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। जी बेटे वही समझाएंगे आज। एग्जांपल 15 और क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी केम टू टाइम्स इन एग्जाम्स, लास्ट टू इयर्स में दो बार आ चुका है बेटे, वो स्कूल एग्जाम्स में तो आना ही आना है वो, तो आज इंशाल्लाह वही डिस्कस करेंगे बेटे। अभी नोट करो बेटे, शाबाश, थोड़ा सा ध्यान से। थोड़ा सा बेटे डिजिटल ही करना पड़ेगा, ऑफलाइन क्लासेस अभी अब अवेलेबल हो नहीं पा रही हैं, सिचुएशन और ज्यादा वर्स्ट हो गई है ये वायरस की, गवर्नमेंट भी परेशान है और सब हम भी परेशान हैं, तो थोड़ा सा इसी में मूड बनाइए कि इसी से पढ़ना है मेरे बच्चे।
वरना दिल तो यही करता है मेरा भी कि आप लोग आए पर्सनली और मैं आपको क्लास दूं, तो अच्छा तो वही लगता है। मैं खुद बोर हो गया हूँ बहुत ज्यादा, दो तीन दिन से तो बिल्कुल दिल दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कि हो क्या रहे, अल्लाह रहम दे, कब तक आदमी दीवारों के बीच में रहेगा। अल्लाह खैर, अल्लाह ताला सलामती रखे आप सब बच्चों की, आप सब। नोट कर लिया बेटे? यस सर। आइए शाबाश। यस सर। जी देखो अब यही प्रूफ करते हैं, आप सब बच्चे ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का बेटे, और